गाइस, ये मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI गाड़ी है, CNG गाड़ी है, जिसके आप फ्रंट लुक देख रहे हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट में आपको इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, हाइलोजन हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर। CNG गाड़ी है, उसका स्टिकर मिल जाएगा फ्रंट विंडशील्ड पर। बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको देखिए MRF के टायर मिल जाएंगे, जो कि आपको 14 इंचज़ के मिलते हैं। इसमें आपको व्हील कवर भी दिए गए हैं, सिल्वर कलर के व्हील कवर है। साइड मिरर पर इंडिकेटर, डोर हैंडल आपको ब्लैक ही दिया गया है, और साइड मिरर भी आपको ब्लैक ही दिए गए हैं। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, तो रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है। CNG का स्टिकर, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रियर के बम्परों पर, बम्पर ब्लैक ही दिया गया है, ये पार्किंग सेंसर है। यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे। ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, तो दूसरी साइड से भी कुछ ऐसा ही लुक है गाड़ी का देखने में। यहाँ से आप CNG और फ्यूल दोनों भरवा सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। चलिए रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको ये वाला डोर मैनुअल मिल जाएगा, मैप पॉकेट का स्पेस, बोट रखने का स्पेस वगैरह नहीं मिलता इसमें। हेडरेस्ट इसमें जो फिक्स दिए गए हैं, एडजस्टेबल नहीं है। फ्रंट सीटों के हेडरेस्ट भी आपको फिक्स ही दिए गए हैं। देखिए लेगरूम ठीक ठाक मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोट रखने का स्पेस मिल जाएगा, और ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, देखिए मिल जाते हैं। इसमें आपकी गाड़ी के व्हील कवर हैं, और ये वाला डोर भी आपको मैनुअल दिया गया है। मैप पॉकेट का स्पेस नहीं मिलेगा, ना ही स्पीकर का स्पेस दिया गया है इसमें। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है, तो कुछ ऐसा लगता है फ्रंट डैशबोर्ड आपको देखने में। मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये आप फ्रंट डैशबोर्ड की लुक देख रहे हैं। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं, कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। बैक डोर खोलने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ड्राइवर सीट के नीचे, हम बैक डोर खोल लेते हैं। फ्रंट डोर भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ से आप CNG भरवाएंगे, यहाँ से पेट्रोल भरवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। आपको CNG का सिलेंडर है, बूट स्पेस नहीं मिल पाता उतना अच्छा खासा, देख रहे हैं आप 7 से 8 kg CNG आती है। अगर आप इसे पूरा फिल करवाते हैं तो बूट स्पेस की प्रॉब्लम दिखेगी आपको इस गाड़ी में। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। साइड मिरर को आप नोब द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बोट रखने का स्पेस दिया गया है। स्पीकर दिए गए हैं, दो ही स्पीकर मिलते हैं आपको फ्रंट के, दोनों दो ट्रिमों पे मिल जाएंगे। ये ड्राइवर सीट है, ये बैक एडजस्ट दी गई है, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट। अपोस्टी आपको कॉटन की दी गई है। राइट साइड में AC वेंट्स, यहाँ पे आपको CNG और पेट्रोल दोनों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। की की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही की रिमोट दी गई है, एक की आपको सिंपल दी गई है, देख रहे हैं आप। देखिए एक की रिमोट दी गई है और एक की सिंपल दी गई है बिल्कुल। और हेडलाइट ट्रैवलिंग के लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, हम यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं हेडलाइट लेवल जो करते हैं, मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। और कितने पैसेंजर बैठे हैं उसी हिसाब से यहाँ से आपको हुड खोल सकते हैं। और SRS एयरबैग दिया गया है इसमें, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स। ये MID देख रहे हैं आप, इसमें आपको फ्यूल किलोमीटर क्लॉक बताएगा, CNG शो करेगा। कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं, जैसे कि सीट बेल्ट की लाइट, माल फंक्शन की लाइट। तो डिजिटल मीटर दिया गया है पूरा। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, USB के ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें, तो FM AM चला सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
इसमें आपको फ्रंट के दोनों डोर ही पावर विंडो दिए गए हैं, फ्रंट के दोनों डोर पावर विंडो दिए गए हैं और रियर के दोनों डोर आपको मैनुअल दिए गए हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया, यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आएंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे आपको कप होल्ड रखने का स्पेस मिल जाएगा। गियर लीवर 5/1 लीवर्स के साथ दिया गया है, ब्रेक लीवर नॉर्मल दिया गया है। ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है, कैसा है सी एयर बैग और मिल जाएगा को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे आपको बोट रखने का स्पेस मिल जाएगा। स्पीकर दिए गए हैं इसमें। डोर ट्रिम आपको डैशबोर्ड से मैच करती हुई दिखेगी, ब्लैक ही दी गई है। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैंप मिल जाएगा, IRVM नॉर्मल दिया गया है, कोल्ड ड्राइवर साइड सनवाइजर, ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर पूरा आपने देख लिया। और बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 998 cc का इंजन दिया गया है, यानी 1000 cc भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको 1000 cc का इंजन दिया गया है, 3 सिलेंडर इंजन है ये। बात करेंगे पावर की तो 56 bhp की पावर मिलेगी आपको 5500 rpm पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो इसमें आपको 92 Nm की टॉर्क मिलेगी 3400 rpm पे। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 27 लीटर की दी गई, यानी 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें। और अगर आप CNG भरवाते हैं इसमें तो इसमें 7 से 8 kg CNG आती है, अगर आप इसे पूरा फिल करवाते हैं। बात करेंगे अब इसके माइलेज की। तो इसमें अगर आप CNG की माइलेज की बात करें तो 32 km/kg की माइलेज मिलेगी, यानी 1 किलो CNG अगर आप भराते हैं तो उसमें आपको 32 किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी। और पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो 21 kmpl की माइलेज मिलेगी, यानी 21 kmpl की माइलेज मिलती है अगर आप पेट्रोल में ड्राइव करते हैं। बात कर लेते हैं इसके लेंथ की। तो इसमें आपको 3565 mm की इसकी लेंथ है और विड्थ है इसकी 1520 mm की इसकी विड्थ है। हाइट है इसकी 1567 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस है इसका 2380 mm का इसका व्हील बेस है। बात करेंगे कर्व वेट की तो 831 kg से लेकर 854 kg तक का इसका कर्व वेट है। ग्रॉस वेट की बात करें तो 1170 kg का इसका ग्रॉस वेट है। बात करेंगे टर्निंग रेडियस की तो 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस की। तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है पहले वो जान लेते हैं। तो 610,000 इसका एक्सशोरूम प्राइस है, दिल्ली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 681,977 इसका ऑन रोड प्राइस है, दिल्ली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया। तो एक्सशोरूम ऑन रोड दोनों प्राइस मैंने आपको बता दिए। बात करेंगे सस्पेंशनों की। तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन जो दिए गए हैं, इसमें आपको मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड स्टेबलाइजर टाइप दिए गए हैं फ्रंट सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन आपको टॉरिजन बीम विद कॉइल स्प्रिंग टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग आपको डोर दिए गए हैं, सेंट्रल लॉकिंग डोर मिलते हैं, पावर लॉक डोर आपको पावर डोर लॉक मिलता है और साथ में चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है। सीट बेल्ट वार्निंग लाइट आपको दी गई है इसमें। इंजन इमोबिलाइजर दिया गया है। EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको सेफ्टी फीचर्स में। और इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स में सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड विथ ब्रेजर मिलता है, और सीट बेल्ट प्री टेंशनल एंड फोर्स लिमिटर ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया गया है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक दिए गए हैं। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं कंपनी फिटेड जो मैंने आपको बताए। तो यही था इस वीडियो में। सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।